तो प्रॉब्लम में बोल रखा है, इफ द साइड्स ऑफ ए प्लेन ट्राइंगल एबीसी वेरी इन सच ए वे दैट इट्स सर्कम रेडियस रिमेन कॉन्स्टेंट, सो अपन को ये प्रूव करना है डी ए बाय कॉस ए प्लस डी बी बाय कॉस बी प्लस डी सी बाय कॉस सी का जो सम है वो जीरो होता है। तो अपन को पता है कि जो सर्कम रेडियस होती है ट्राइंगल की, ये तीनों वर्टेक्स से जो सर्कल बनता है उसकी, तो उसको आर को अपन ए बाय टू साइन ए से दे सकते हैं। वैसे ही ये बी बाय टू साइन बी के इक्वल होता है एंड सी बाय टू साइन सी के इक्वल होता है इस तरीके से। सो यहाँ पर ए इज इक्वल टू टू आर साइन ए हो गया। तो अगर अपन डी ए निकाले सो डी ए क्या हो जाएगा, टू आर कॉस ए डी ए इस तरीके से। सो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि डी ए बाय कॉस ए इज इक्वल टू टू आर डी ए। वैसे ही डी बी बाय कॉस बी इज इक्वल टू टू कैपिटल आर डी बी। ध्यान रखना यहाँ पे आर कांस्टेंट है इसलिए मैंने उसको डिफरेंशिएट नहीं किया। एंड डी सी इज इक्वल टू टू आर डी सी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये साइड है यहाँ पर, ये एंगल है। डी सी बाय कॉस सी इज इक्वल टू टू आर डी सी इस तरीके से, जहाँ कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एंगल है एंड स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी साइड से। अब तुम्हें पता है कि ट्राइंगल में कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी प्लस कैपिटल सी तीनों एंगल का सम पाई होता है, तो यहाँ पे अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूँ तो ये यहाँ पे जीरो के इक्वल आएगा। सो अगर तुम इसको इसको और इसको ऐड कर दो सो क्या आ जाएगा, डी ए बाय कॉस ए प्लस डी बी बाय कॉस बी प्लस डी सी बाय कॉस सी इज इक्वल टू टू आर, तो कॉमन आ जाएगा डी ए प्लस डी बी प्लस डी सी, और तुम्हें पता है कि ये जीरो आता है। सो इस सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। और यही अपन को प्रूफ करना था, तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। सो तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होता है लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।